तो साथियों दिवाली आ रही है बिल्कुल नजदीक, तो आपको बताने जा रही हूँ छोटे छोटे उपाय। आज बताने जा रही हूँ वो खास उपाय जो आप करेंगे धनतेरस के दिन। आप लोगों की पहले से शिकायत रहती है कि मैडम आप लास्ट में बताते हैं, तो इसीलिए मैं आपको जल्दी बता रही हूँ ताकि धनतेरस के इस उपाय को आप सभी लोग कर पाए। धनतेरस माता लक्ष्मी, धन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, सभी की पूजा आराधना करने का दिन और सभी से जुड़े उपायों को करने का दिन। तो धनतेरस होता है बहुत खास और हर साल धनतेरस पे करते हैं हम कुछ खास उपाय जिससे कि हमारे घर में धन सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो धनतेरस पे रिवाज होता है कुछ नई चीजों को खरीदने का। कहते हैं जो चीजें खरीदी जाती हैं घर धन धान्य से, उन सभी चीजों से साल भर भरा हुआ रहता है। तो धनतेरस से जुड़े हुए आपको छोटे छोटे दो तीन उपाय बता रही हूं ताकि पहले से तैयारी करके आप भी धनतेरस के दिन इन खास उपायों को जरूर कर लें। आसान उपाय बिल्कुल बताऊंगी क्योंकि उपाय टफ हो तभी रिजल्ट आए ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपाय रिजल्ट तब देते हैं जबकि आप उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। अगर अटूट उपाय विश्वास के साथ छोटा सा भी उपाय कर दिया जाए तो वो आपको रिजल्ट दे जाता है। बड़े छोटे उपाय बताऊंगी। सबसे पहला उपाय सूखा धनिया लेकर आ जाइए। सूखे धनिए का उपाय हर धनतेरस करते रहिए, सबसे अच्छा सटीक उपाय होता है, सबसे आसान उपाय है। सूखा साबुत हरा धनिया मार्केट से ले आइए, किसी भी आपको परचूनी की दुकान से मिल जाएगा। सूखा धनिया लेना है। सूखा धनिया लेने के बाद आपको क्या करना है कि आध उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें। आधे धनिए को किसी गमले में आपको बो देना है धनतेरस के दिन, उसको बो दे रोप दे मिट्टी में और उसको उगने दे। वो आपको उगा के रखना है। जैसे जैसे वो धनतेरस का धनिया उगेगा आपके घर में धन समृद्धि सुख समृद्धि फैलेगी। तो आप धनिया लेकर आएंगे सूखा धनतेरस के दिन, आप उसकी जब पूजा पाठ होती है तब आप पूजा में उसको रख लें, और पूजा में रखने के बाद उस धनिए को जो आपने दो पार्ट अप कर लिए हैं, एक पार्ट को रख ले, उसको लाल कलर के किसी भी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में आपको सूखा धनिया रख लेना है। भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य बना रहे। आधा पार्ट आपने तिजोरी में रख लिया, आधा जो पार्ट बचेगा उसको मिट्टी में रोप देना है। रात को ही आपको मिट्टी में रोप दें उसको और लगा रहने दें, उसको अपने पानी वानी दें, उसमें से जब हरा धनिया निकलने लगे उसको इस्तेमाल करें। काफी लोग ये पूछते हैं इस्तेमाल करें, यानी इस्तेमाल करिए, वो इस्तेमाल करने के लिए ही है। यानी कि कहते हैं ना पैसा पेड़ पे नहीं लगता, लेकिन हमने वो जो धनिया उगाया है वो धनिया हमारे लिए प्रतीक है सुख समृद्धि का। तो आपने उस धनिया को एक अच्छे मुहूर्त में एक अच्छे समय में रोपा है और वही आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। तो उसको इस्तेमाल भी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको जब तक वो रहे तब तक आप उसको इस्तेमाल करते रहिए। तो ये पहला उपाय है जो आप धनतेरस में कर देंगे, पूजा करके धनिया उगा लें घर में और इस्तेमाल भी करें, उसको आधा धनिया तिजोरी में रख दें। दूसरा जो खास उपाय करेंगे वो ये है कि आपको क्या करना है, 13 सिक्का लेने हैं। 13 सिक्के आपको कॉइन्स ले लेने। कॉइन्स यूं तो वैसे हम चांदी के लेते हैं, लेकिन चांदी के कॉइन अगर ले पाते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप सिंपल सिक्के 13 सिक्के गिन के 13 काउंट करके 13 सिक्के ले लें। 13 सिक्के लेने के बाद उनकी हल्दी से पूजा कर दें। जब अपनी पूजा करें तब उन पर भी हल्दी लगा दें, अक्षत लगा दें और भगवान से निवेदन करते हुए कि भगवान मेरे घर में भी कभी धन सुख समृद्धि की कमी ना रहे, उन 13 सिक्कों को आपको बांधकर किसी में तिजोरी में रख देना है। अब आप क्या कर सोचेंगे कि अलग अलग कितनी पोटलियां रखेंगे। देखिए चाहे तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लें, चाहे आप धनिया वाला उपाय कर लें, चाहे ये सिक्के वाला कर लें। 13 सिक्के लेके लाल रंग की किसी पोटली में हल्दी लगाकर, और चाहे तो हल्दी की एक गांठ भी साथ में रख सकते हैं और पोटली बनाकर उसमें रख दें आप तिजोरी में। और आप चाहे तो वो कर लें, कोई भी एक उपाय आप कर लीजिए, काफी होता है। सारे उपाय भी करने जरूरी नहीं है। तो आप 13 सिक्के लेकर और पूजा पाठ होने के बाद लाल रंग के कपड़े में बांधकर उनको घर की तिजोरी में आपको रख देना है। सिंपल उपाय दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो ये कि धनतेरस की रात को आपको क्या करना है, एक बड़ा दिया ले लेना है। बड़ा सा थोड़ा सा दिया लेना है, सिंपल छोटा वाला नहीं चलेगा, बड़ा ले लें।
जब पूजा चले उसके बाद अपने घर में दिया जला के रख दे, उसमें डाल दे 13 कौड़ियां, 13 कौड़ी, 13 कौड़ियां डाले भगवान से निवेदन करते हुए कि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर आप उनके घर में हमेशा के लिए विराजे और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर दे, ऐसा निवेदन करते हुए 13 कौड़ियां उसमें डाल दे, दिए को जलने दे। जब दिया जल जाए आधी रात, जब दिया जल चुके बंद हो जाए आधी रात बचे, घर में सब सो जाए, उसमें से चुपचाप आप कौड़ियां निकालें और घर में कहीं भी उसको मिट्टी में दबा देना है। काफी लोगों के घर में मिट्टी नहीं होगी, तो अगर गमला है तो गमले को पहले से रेडी रखें आप, कि गमले में आप थोड़ा सा गड्ढा करके पहले ही रख ले और बस रात को आपने उठे उसमें से 13 कौड़ियां निकाली और उस गमले में आपने दबा दी। आप इस उपाय को चाहें तो उसको दबाने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दें और जो आपने धनिया जिसमें रोपा है आप उसमें भी कौड़ियां दबा सकती हैं। तो ये उपाय आपको कर लेना है, पर इसमें खास बात ये है कि सभी उपायों में यूं तो होता है कि आपको उपाय करते वक्त कोई भी टोके ना, अगर टोक लग जाती है ना तो उपाय का रिजल्ट नहीं हमको मिलता। तो ये वाला उपाय तभी करें जब घर के सारे मेंबर सो चुके हो, सिंपली आप जाएं एक बार अपनी कौड़ियां निकाल के मिट्टी में दबा दें और बस ऐसे हाथ से उसको दबा दें, दबी रहने दें और भूल जाइए हमेशा के लिए। तो ये उपाय है मिट्टी में दबाने, कौड़ियों को दबाने वाला उपाय, बहुत बेहतरीन उपाय है जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये 3 उपाय हैं धनतेरस के लिए, आप चाहें तो 3 कर दें, आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक उपाय कर दें। माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा हमेशा हमेशा के लिए आप पे बरसेगी। जो व्यक्ति ये उपाय करता है, खासतौर पे जो मिट्टी में कौड़ियों को दबाने वाला और धनिया वाला उपाय, कभी भी उसके घर में पैसे की किल्लत नहीं होती, पैसे की कमी कभी भी नहीं होती। तो इन उपाय को इस धनतेरस जरूर कर दे ताकि साल भर आप भी धन सुख समृद्धि को एंजॉय करते रहें। मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक प्यार भरा नमस्कार।